अब ये कहता है कि दो हम लोग के पास एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास दो वेक्टर है, बेसिकली एक वेक्टर ए है और ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल है, ठीक है। इस टाइप से कंडीशन दिया हुआ, दिस इज द कंडीशन कि वेक्टर ए और बी ऐसा है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, ए और बी के बीच का एंगल। अब देखो ए प्लस बी मॉड है तो इसको लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इधर लिख सकते हो अलग अलग है तो इधर लिख सकते हो ए और बी, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और इधर स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको ख़त्म हो गया, ठीक है, और टू ए बी इधर आ गया, टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू टू ए बी, तो टू ए बी ने टू ए बी को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन आ गया, इसका मतलब ये हुआ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा, जो कि सी ऑप्शन सही है, क्लियर है, दैट इज सी वन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलो नेक्स्ट।